तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मोबाइल ट्राइपॉड की। देखिए कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है और यहाँ पर देखिए इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 3110 और यहाँ पर देखिए इसके सारे फीचर्स आपको लिखे मिल जाएंगे और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए 3-way हेड, बिल्ड इन लेवल 4 एल्यूमिनियम लेग्स और क्विक लेवर लॉक, इसके सारे फीचर्स इस पर लिखे। तो चलिए इसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए इसे निकालते हैं बाहर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये ट्राइपॉड देखिए कुछ इस तरह के ब्लैक कलर के बैग में पैक है और यहाँ पर देखिए बॉक्स पर भी आपको इसके सारे मेजरमेंट्स लिखे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका वेट दिया गया है जो कि करीब 420 ग्राम है, यानी कि बहुत लाइट वेट है। तो चलिए इसे बाहर निकलते हैं पहले। और ये देखिए आपको इसके साथ ये मोबाइल होल्डर दिया जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिखाई दे रहा है। इसमें आप अलग अलग साइज़ के मोबाइल फिट कर सकते हैं। ये देखिए ये ट्राइपॉड के साथ यहाँ पर अटैच करने के लिए एक होल दिया गया है और देखिए आपको अलग अलग साइज़ के मोबाइल बड़ी आसानी से इसमें फिट हो जाएंगे और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं और अब निकालते हैं हमारा ट्राइपॉड। कुछ इस तरह से ये पैक होता है बैग में। तो अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का बना हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पर मोबाइल के लिए ये बेस्ट है और प्राइस के हिसाब से भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। और देखिए यहाँ पर इसके जो लॉक दिए गए हैं इससे आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितनी हाइट चाहिए ट्राइपॉड की। देखिए बस इसे आपको ऐसे ऊपर खोलना है और लेग को बाहर निकालना है और फिर इसको लॉक कर देना है। और देखिए आप इसे कुछ इस तरह से प्रेस करके इसके लेग को फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आप इसके हेड के बारे में जानते हैं। आपको देखिए इसमें एक हैंडल मिलता है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल के होल्डर को फिट करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू मिलता है। बस आपको इसमें मोबाइल का होल्डर रख के बस इसमें दिए गए स्क्रू को आपको रोटेट करना है और ये इसमें फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इस ऊपर वाले पाइप को ऐड करने के लिए एक और लॉक दिया गया है। यहाँ पर इसका रोटेशन लॉक है, यहाँ पर आपको इसका ऊपर नीचे करने का लॉक है। देखिए बस आपको इसे खोलना है और फिर टाइट कर देना है जिससे कि ये लॉक हो जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसके मोबाइल के होल्डर को यहाँ पर फिट कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। तो बस यहाँ पर इसके मोबाइल के होल्डर को रखना है, स्क्रू को रोटेट करना है, बस ये लॉक हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को लगाना है। देखिए हमने इसके साथ मोबाइल होल्डर को लगा दिया है। और अगर हम इसके एल्यूमिनियम लेग्स की बात करें तो ये भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर ये गिर जाता है तो इसमें डेंट लग सकता है। देखिए यहाँ पर एक डेंट लगा भी हुआ है जो शायद मेरे से ही लगा होगा और इसकी क्वालिटी कोई स्ट्रांग नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो हमने इसके मोबाइल के होल्डर और क्वालिटी की बात तो कर ली, तो चलिए इसे ओपन करते हैं अब। देखिए सरफेस में अच्छी तरह ग्रिप पकड़ता है ये, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तीनों लेग के साथ बहुत स्टेबल रहता है। और देखिए आप कुछ इस तरह से इसके लेग्स को ओपन कर सकते हैं। सारे लेग्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने इसे पूरा ओपन कर लिया है पर आपको यहाँ पर ये पूरा नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसे नीचे रखकर आपको दिखाता हूँ इसकी फुल हाइट कितनी है। ये देखिए हमने इसे नीचे रख दिया है और यहाँ पर देखिए इसकी हाइट, इसको फुल ओपन करने पर इसकी हाइट करीब 41 से लेकर 42 इंच की है। आप देखिए इसे ऊपर इसकी हाइट नहीं आती और इतनी हाइट होने के कारण आप इससे खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते, आपको किसी चेयर पर बैठकर ही वीडियो बनाने पड़ेंगे। और हाँ, इस पर आप कैमरा अटैच नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मोबाइल ही इस पर अटैच करना है क्योंकि ये कैमरे के वेट को झेल नहीं पाएगा और इसके टूटने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप इसे सिर्फ मोबाइल के लिए ही यूज़ कीजिए। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ इससे मोबाइल कनेक्ट कर। तो ये देखिए ये रहा हमारा मोबाइल, अब मैं इसे इस मोबाइल होल्डर में अटैच कर देता हूँ। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से नीचे से प्रेस करना है और ये देखिए ये इसमें अटैच हो गया। देखिए मैं अब कैमरा ऐप ओपन करता हूँ और ये देखिए हमने कैमरा ऐप ओपन कर लिया है। ये सभी तरह के मोबाइल को सपोर्ट करता है, बस आपको इसमें टैबलेट फिट नहीं कर सकते।
और यहाँ पर देखिए ये जो हैंडल दिया गया है, आप इससे इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और ये देखिए ये पीछे वाला स्क्रू आप रोटेट करेंगे तो ये ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ये ऊपर नीचे होता है। और यहाँ पर देखिए आपको ये लेवल इंडिकेटर दिया है जिससे कि आप इसे फ्लैट सरफेस पर रखकर स्ट्रेट लाइन में रखकर वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हैंडल दिया गया है उसे अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन आप वर्टिकली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप इससे पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना चाहते तो कर सकते हैं। और टिकटॉक तो वैसे इंडिया में बैन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो आप इसे रील्स या फिर अदर प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। और हाँ, ये लाइट वेट होने की वजह से आप इसे आउटडोर ले जा सकते हैं और आप अपने ट्रैवल के वीडियो शूट कर सकते हैं या फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। इसे आप गिम्बल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और सेल्फी स्टिक की तरह भी। तो इस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग तो हमने कर ली, तो चलिए मैं आपको इसमें कुछ खामियां बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए इसकी जो मेन खामी है, जो इसका मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसे बनाने में, वो बहुत ही चीप क्वालिटी का है, यानी कि अगर आप इसमें ज़्यादा वजन रखेंगे तो ये टूटने के चांसेस ज़्यादा है। और हाँ, ये जो लेग को जोड़ने के लिए ज्वाइन दिए गए हैं उसे अगर आप जोर से खींचेंगे तो ये निकल भी सकते हैं। और हाँ, जो ये यहाँ पर मोबाइल होल्डर दिया गया है, अगर आप इसे अच्छे से फिट नहीं करते तो ये निकल सकता है। और जो ये यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है, अगर ये गिर जाएगा तो ये भी टूट सकता है, रिस्क है। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको आसानी से 300 रुपये के अंदर मिल जाएगा। मैंने भी ये 300 रुपये में ही परचेस किया है। तो अगर इसे आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। तो तो मेरे हिसाब से तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको ये लेना चाहिए। अगर आप एक नए यूट्यूबर है और अपनी वीडियो मोबाइल से बनाते हैं या फिर आप रील्स पर वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बस यही थी हमारी इस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।